फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसको इंग्लिश में क्लामचोई और पंजाबी में इसको क्लांचो बोलते हैं। और इसकी अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। और इसका अगर आप एक पत्ता भी आप ग्रो कर देते हैं ऐसे, तो आप देखेंगे कि इसने रूट्स बनानी शुरू कर दी हैं हमारे पत्थर चट्टे की तरह। तो अब हम इसकी कटिंग को ग्रो करेंगे। कटिंग ग्रो करने के बाद हम देखेंगे कि इसके बहुत से हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, क्लांचो या क्लामचोई जो कि इंग्लिश में बोला जाता है। इस कटिंग को हम लगाएंगे और उसके लिए हम जो सॉयल लेंगे वो ओनली गार्डन सॉयल है हमारे पास, और इसमें हम ग्रो करेंगे। और उसके बाद जब ये इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और हम नए पॉट में लगाएंगे, हम ऐसी छोटी छोटी डिब्बियों में भी लगा सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी डिब्बियों में इनकी कटिंग लगा देंगे ओनली गार्डन सॉयल डाल के। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको वर्मी कंपोस्ट देंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इसने कैसी ग्रोथ की है क्लामचोई ने। चाहो क्लामचोई को आप बिल्कुल एक लीव से भी ग्रो कर सकते हैं, उसकी भी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है पत्थर चट्टे की तरह, तो आप देखेंगे उसने भी बहुत अच्छी रूट्स निकाली हुई है। और ऐसे हम इसकी टहनियां लगा देंगे, उसके बाद हम वाटरिंग कर देंगे। जितने भी आप अगर छोटे पॉट लगाते हैं तो उनको आप सेल्फ वाटरिंग का मतलब ये है कि आप छोटी प्लेट रख लें और उसके ऊपर आप अपना छोटा पॉट, जो भी डिब्बी, जो भी जिसमें भी आप ग्रो करते हैं कटिंग को, उसमें आप पानी डाल के रख दें, तो वो अपने आप ही पानी वाटर लेता रहेगा प्लांट हमारा। और कटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए, उसको सूखा मत रहने दें। जैसे हम बताते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि सोयल आप सूखी रखें और रखें, पर कटिंग में ऐसा ना करें। कटिंग में लगातार मॉइस्चराइज बना रहे तभी आपकी कटिंग सक्सेस होगी। तो गार्डन सोयल में मैंने इसको ग्रो किया, उसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट देंगे और इसकी देखते हैं हम सर्दी में इसकी ग्रोथ कैसे होती है। वैसे इसके लीव्स जो है रेड कलर के हो जाते हैं सर्दी में, तो उसके बाद वो अपने आप ही ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं गर्मी में। ये इतना हार्डी प्लांट है कि ये आप देखेंगे कि ओनली 5 डेज में इसने लीव्स निकालनी शुरू कर दी हैं इस तरह से। और कुछ भी अभी इसको फर्टिलाइजर नहीं दिया, थोड़ी सी और ग्रोथ होने के बाद हम इसको बड़े पॉट में रिपोर्टिंग कर देंगे और उसके बाद ये अपने आप ही बढ़ते जाएंगे और हमारे पास बहुत से प्लांट्स इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे पास मदर प्लांट है, इसकी आप देख रहे हैं बसंत का मौसम होने की वजह से इसने अपनी फ्लावरिंग शुरू कर दी है। फरवरी का मंथ है, मैं इनमें सभी में फर्टिलाइजर दूंगी, इसमें ओनली मैं वर्मी कंपोस्ट दूंगी। अगर आप इसमें DAP के 2 दाने डाल देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी इस तरह से। और ये मदर प्लांट मेरा बहुत बड़ा मदर प्लांट बन चुका है और ये इसकी भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाया हुआ है और इनको भी मैं थोड़े से और छोटे पॉट्स में कर दूंगी ट्रांसफर। और एक चीज मैं आप दिखाती हूँ, आप इसका कोकोडोमा जरूर बनाएं। और कोकोडोमा की आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग और शुरू हो चुकी है फ्लावरिंग और बड से भरा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर दे रही हूँ। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। आप वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की चाय, पानी की जगह पे आप इसी वर्मी कंपोस्ट को आप भिगो के रख दें 2 दिन के लिए, 3 दिन या सप्ताह के लिए आप भिगो के रख देंगे, तो आप देखेंगे कि वो लिक्विड चाय बहुत अच्छी चाय बन गई है। और उसको आप इस प्लांट्स में दें ताकि इनको खुराक मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो
ऐसे करके आप सभी में, और जो हमारा ये कोकोडोमा बना हुआ है, हमारा ये कोकोडोमा बना हुआ है, इसको आप ओनली लिक्विड फर्टिलाइजर दें, क्योंकि इसको बार बार खोल के हमारी रूट्स को हवा लगेगी, तो इसलिए आप इसको लिक्विड चाय दें। और फरवरी का मंथ है, अगर आपने नया लगाना है तब भी ये लग जाएगा कलम के साथ, इसके साथ सॉरी कटिंग के साथ। और फ्रेंड्स ये अपडेट है जो मैंने कटिंग लगाई थी, और इसकी आप जैसे जैसे कटिंग करते जाएंगे, चाहे गर्मी के मौसम में भी आप कटिंग कर दें, तब भी इसकी ग्रोथ वैसे ही बढ़ती जाएगी। और इस मदर प्लांट में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे के नीचे अपने आप ही ये रूट्स बना लेता है, ओनली एक पत्ते के साथ भी इसकी रूट्स बन जाती है। जैसे पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टे की भी मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आके भाई कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे को पता चले कि मुझे और क्या करना चाहिए, ताकि मेरी वीडियो बेहतर से और बेहतर बने। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।